अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारिया और मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो है अबाउट लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल प्रोडक्ट्स वर्दी होते हैं ये नहीं होती, और आप लोगों को लेते हुए डर भी लगता होगा। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप में हर चीज़ जो है वो ब्रांडेड लो, आप सच्ची चीज़ें और लोकल चीज़ों से भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक मैंने डस्ट पाउडर पर वीडियो बनाई थी, जो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, वो भी आपकी लोकल थी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत पसंद आई होती चीज़ें। अच्छा, ये दोनों ब्रशेज़ के बारे में बात करते हैं। ये दोनों ब्रशेज़ मैंने लिए थे, ये एक ब्लेंडिंग ब्रश है और एक कट ब्लेंडिंग ब्रश है। मैं इसके नंबर भी बता देती हूँ, एक का नंबर है एक्वा 12 और एक का नंबर है कॉस्मी CS06। ठीक है, ये दोनों ब्रशेज बहुत ही ज़बरदस्त ब्रशेज हैं, मेरे ब्लेंडिंग में बहुत मदद करते हैं और बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो जाता है इससे। ये मैंने चेज वैल्यू सेंटर से लिया था और बहुत ही अच्छा ब्रश है, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एक मैंने ब्रश लिया था मिलेनियम मॉल से, फेस इट 5049, लेकिन ये बहुत ही बकवास ब्रश है, कोई मुझे इसका अब तक समझ में नहीं आई है। और ये प्रोडक्ट बहुत यूज़ लेता और ये ब्लेंडिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं करता, तो ये फजूल है। सेकेंड चीज़ है आपकी, ये मैंने ब्लश स्टिक ली थी चेज वैली सेंटर से, इसका नाम भी मिट गया है, मैंने बहुत इस्तेमाल करी है ये, और ये आई थिंक 150 रुपये तक की थी और बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए इस तरह से घूम के ना इस तरह से निकलता है ब्लश, और अगर मैं आपको उसको स्वैच करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये ब्लश जो है ना, मैं कभी एज अ लिपस्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, इसको चीक से भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसको आई शेडो भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी है और अच्छी चीज़ थी और अब तक मेरे काम आती है। ठीक है, सेकेंड चीज़ इज़ दैट लिपस्टिक की बात करते हैं, तो मुझे ना न्यूट शेड चाहिए था, 2017 की बात है, न्यूट शेड चाहिए था, तो मैंने कलर स्टूडियो का प्रोफेशनल ये लिया था। उसका अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यार नज़र नहीं आ रहा, ये फोकस नहीं कर रहा है। ये है प्योर मैट 158 स्कारलेट, इसका नंबर है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया था 800 रुपीज़ की, ये लिपस्टिक 800 या 900 की लिपस्टिक थी, ये न्यू शेड था ये, और बहुत ही पसंद आया था मुझे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक गलती करी, मैं ये दोनों को खोल के रखती हूँ इसको, और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक दिन ऐसे मार्केट जाना, तो मैंने ग्लैमर्स का ये देखा, इसका जो है नंबर फोकस का भी फोकस नहीं हो रहा, इसका नंबर मैं आपको देती हूँ, लिपस्टिक 116 रोज़ वाइन इसका है और ग्लैमर का रोज़ वाइन है 116। ठीक है, और जब मैंने ये देखा तो मैं परेशान हो गई, और ये था आई थिंक 150 या 100 का, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत रोई कि मैंने जो है ना उस पर पैसा खर्च कर दिए, 800 रुपीज़ और 100 में आपको वही चीज़ मिल रही है। और दोनों के शेड मैं आपको स्वैच करके दिखाऊँ, तो एक शेड ये देखिए, ठीक है, नहीं इस पर स्वैच करके दिखाती हूँ, एक शेड ये देखिए, ठीक है, और इसी का एक शेड ये देखिए, आपको कोई डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। दोनों बहुत ही प्यारे कलर, दोनों मतलब एक जैसे कलर हैं, और मुझे बहुत रोना आया था कि मैंने 800 की इतनी महंगी लिपस्टिक ले ली, और बाद में पता चला कि 100 में भी आपको वही चीज़ मिल रही है और वही शेड मिल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आप लोग कुछ चीज़ लेने से पहले प्लीज़ ट्राई कर लिया करो, ग्लैमर्स के हैं, मैडोना के हैं, इनके भी जो लिपस्टिक्स आती है ना वो अच्छी आती हैं, मतलब आपको अपने मुताबिक कलर मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप जो महंगी चीज़ ही लो। उसके बाद इनकी बात करते हैं, ये आई शेडो मैंने उठाए थे, ये बहुत ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर से ही नज़र आ रही है, मैंने आई शेडो इधर उठाइए लिए थे, ये देखिए मिस 5 के हैं, ये आई शेडो है मिस 5 के, और एक ग्रीन है, इसका नंबर 03 है और इसका नंबर 07 है। ठीक है, और ये इतने ज़बरदस्त, मैं आपको बताऊं कि मैं इसको लगा के ब्लेंड, ये लिक्विड आई शेडो है, मैं इसको लगा के जब ब्लेंड करती हूँ ना, तो एक काशीज़ वाली जो आप अगर अपना आई शेडो देखें तो काशीज़ वाली लुक आती है, काशीज़ अपनी आँखों में जो आई शेडो इस्तेमाल करते हैं, तो किसी दिन मैं काशीज़ की वीडियो बनाऊँगी इंस्पायरेशन, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी। और ये भी मैंने बहुत सस्ता लिया था, आई थिंक 150-200 तक के लिए थे और बहुत मेरे काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं, क्रिस्टीन के ये ग्लिटर लाइनर है, क्रिस्टीन की, ठीक है, गोल्डन में है और एक जो है आपका, अच्छा इसमें लिखा हुआ है 230 लिखा हुआ है, लेकिन ये 230 का था नहीं है, 150 कुछ था ही, देखे सॉरी 175 का वन था, ये 175 का एक था, लेकिन ये ना इसके ग्लिटर मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, मतलब बहुत ही ना, मतलब मैं बस ऐसे इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन लाइनर के तौर पर कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हैंग फेंग की बात करते हैं, हैंग फेंग बहुत ही मशहूर ब्रांड है, और हैंग फेंग की ये है सिल्वर में, हैंग फेंग की इसका है नंबर 01, ठीक है, इसका नंबर है 09। ठीक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, 200 ईच था ये और बहुत ज़बरदस्त था, मैं बहुत अपने आई लुक में इस्तेमाल करती हूँ, बहुत काम आता है। नेक्स्ट चीज़ है
फेमिना की ये है ब्लू पेंसिल और इतनी ज़बरदस्त, ये मैंने 2013 में आई थिंक ली थी मैंने, ये बहुत सारी तीन चार उठा ली थी क्योंकि मुझे बहुत इसकी इतनी अच्छी है, कलर इतना प्यारा है, आप लोग देख सकते हो कलर बहुत प्यारा है, और ये 35 रुपीज़ की थी आई थिंक, इतनी अच्छी, अब मुझे नहीं पता कब कितने की होगी, लेकिन ये फेमिना की आप लोग ले सकते हो। ये ब्लू पेंसिल बहुत काम आती है, मैंने ब्लैक में भी ली थी, ब्लैक में मैंने ख़त्म कर दी बिल्कुल, लेकिन ये ब्लू में है, नंबर इसका देख सकते हो आप लोग, नंबर इसका EF402 ब्लू, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये ब्लश स्टिक पे मैं बहुत लंबी वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, ब्लश स्टिक पे बहुत लंबी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, म्यूजिक फ्लावर की है ब्लश स्टिक और इसका नंबर देख सकते हैं आप लोग, 2 नंबर M4005, और ये मैं एज ए कंटोरिंग यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा एक मैंने ये लिया था 120 का, तीन शेड है इसमें एक्चुअली, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इसकी शेड, जो है ना पिगमेंटेड शेड नहीं है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये मैं कलर स्वैच करके दिखाती हूँ, उसके एक कलर ये है, एक कलर ये है, मतलब देखने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सच्ची बताऊँ ना तो ये तो कोई काम नहीं आता मेरे, तो मुझे इतना कोई पसंद नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये मैंने काजल ली थी, ये तो जगह जगह आप लोगों को नज़र आते होंगे, लेकिन ये फजूल है लेना, तो प्लीज़ आप लोग इसमें टाइम ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी तो आंखों में बिल्कुल फैल, मेरी आंखों से पानी तो बहुत निकलता है, मेरी आंखों में बिल्कुल फैल जाती है ये जो है काजल पेंसिल, तो फजूल है लेना। लास्ट चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, जिसे मैं रिव्यू देना जा रही हूँ, वो है ये, मैंने हमेशा रखती हुई देखी थी, मैंने इम्तियाज़ वगैरह में बहुत सारे मॉल में मैंने बहुत दफ़ा रखते हुए देखा, ये आरके के नेल पॉलिश रिमूवर है, और इसके अंदर आई थिंक 100 होते हैं पैड्स, बहुत ही कोई ज़बरदस्त चीज़ है, इसका एक पैड आपके सारे नेल कलर आराम से मिटा देता है, ये प्लीज़ आप लोग लीजिए, 135 का ये एक है, और मुझे ये थिनर से बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ लगी, थिनर जो है ना वो आपके सही से मिटा भी नहीं पाता आपके नेल पॉलिशेस को, और दूसरी चीज़ ये कि थिनर से जो है ना ये सब वाइट सा हो जाता है, तो मुझे लगता है कभी मेरे हाथ ख़राब, मेरी मतलब नेल्स ख़राब ना हो जाए, तो इससे मैंने जो है ना ये अपने वीडियो में इस्तेमाल भी किया, मैंने पिछली वीडियो में, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, आप लोग थिनर के बजाय अगर आप लोग ये लेके रखे ना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इससे ना नेल्स बहुत शाइनी से हो जाते हैं साफ़ करने के बाद, तो ये आप लोग ज़रूर लीजिए, इससे मैं रिव्यू अलग से मांगूंगी तो मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की लोकल प्रोडक्ट्स के हवाले से वीडियो, कैसे लगी आप लोगों को, लोकल प्रोडक्ट्स अगर आप लोग लें तो बहुत, मतलब लें तो ले लिया करें, हम ज़रूरी नहीं है कि आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो उसमें जैकलिन हिल पैलेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उसमें तो ब्रशेज इतने महंगे महंगे मॉर्फी के ब्रशेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है, आप लोग सस्ती चीज़ों में भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो कैसे लगी मेरी वीडियो अबाउट लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं और भी चीज़ें हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए, और लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप लोगों को भी कुछ पता है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताइए। अल्लाह हाफिज़।